परेशान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी सेवाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जेम पोर्टल के बारे में। जी हाँ, आज के कार्यक्रम के माध्यम से विस्तार से आपको बताया जाएगा कि जेम पोर्टल आखिर है क्या और कैसे बन सकता है ये आपके लिए फायदे का सौदा। तो फिर आइए सबसे पहले नजर डालें योजना के साथ पर। सरकारी ई बाजार को अंग्रेजी में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। संक्षेप में आप इसे GEM भी कह सकते हैं। ये भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 9 अगस्त 2016 को इसका गठन भारत सरकार की ओर से सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस बाजार के माध्यम से कोई भी सरकारी संगठन, संस्थान या सार्वजनिक उपक्रम सामान्य उपयोग के जरूरी सामान और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। सरकारी ई बाजार का 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है और इसके गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गतिशीलता लाना है। खरीदारी के लिए बकायदा एक पोर्टल भी विकसित किया गया है। इसके माध्यम से सीधी खरीदारी भी की जा सकती है। L1 खरीदारी भी हो सकती है, ई बोली लगाकर भी हो सकती है, रिवर्स ई नीलामी भी हो सकती है और रिवर्स ई नीलामी बाद बोली भी लगाई जा सकती है। ये प्लेटफॉर्म मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करने के अलावा सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। सरकारी ई बाजार एक पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ताओं का प्रमाणीकरण संबंधित डोमेन डेटाबेस, आधार, पैन, स्टार्टअप, GSTN और MCA 21 के माध्यम से किया जाता है। केंद्र ही नहीं बल्कि कोई भी राज्य सरकार GEM की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। ज्यादातर राज्य इसके माध्यम से अनिवार्य रूप से खरीदारी करने की सहमति दे चुके हैं। ये बाजार लगातार अपना विस्तार कर रहा है। पहले साल इस पर सिर्फ 400 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, अगले साल 5,800 करोड़ रुपए का, 2021-22 में 1,06,000 करोड़ रुपए का और वित्त वर्ष 2022-23 में 2,00,000 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त हुई। इस तरह शुरुआत से लेकर अब तक इस पर कुल मिलाकर 3,90,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। फिलहाल ये पोर्टल 67,000 से अधिक सरकारी संगठनों की खरीद जरूरतों को पूरा करता है और इस पर अब तक लेन देन की कुल संख्या 1,47,00,000 से भी ज्यादा हो गई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि GEM ने सार्वजनिक खरीद के इकोसिस्टम में क्रांति ला दी है। इस क्रांति में प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, सभी हितधारकों के डिजिटल एकीकरण और एनालिटिक्स के उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पोर्टल पर 33,00,000 से अधिक सूचीबद्ध उत्पाद और 2,80,000 से ज्यादा सेवा प्रस्ताव मौजूद हैं। अलग अलग अध्ययनों से पता चला है कि इस प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम बचत करीब 10% है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अब तक सरकारी ई बाजार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन की बचत कर दी है। 2019 में GEM पोर्टल पर स्वायत्त यानी स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन सेवा भी शुरू की गई। इसका मकसद भी निर्माताओं और विक्रेताओं की खास श्रेणी के प्रशिक्षण और पंजीकरण की सुविधा देना है। साथ ही इसका लक्ष्य महिला उद्यमिता का विकास करना, सार्वजनिक खरीद में MSME क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सरकारी ई बाजार से 100 से भी अधिक कृषि उत्पादन संगठन जुड़े हैं, जो 200 से भी ज्यादा कृषि उत्पाद सीधे सरकार को बेच रहे हैं। तो
योजना के सार पर आपने नजर डाली, जाना इस पोर्टल के बारे में बहुत कुछ, लेकिन कैसे जुड़ सकते हैं आप जेम पोर्टल से बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं जेम पोर्टल के ऑफिस में और हमारे विशेषज्ञ कर रहे हैं हमारा इंतजार। तो फिर बिना समय को गवाते हुए आइए उन्हीं का रुख करते हैं। तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ बता दें आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस ऑफिसर प्रशांत कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। जेम पोर्टल की अगर हम बात करते हैं, सरकारी ई बाजार की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले आपको ये बताऊंगा कि इसकी शुरुआत हुई थी 2016-17 में जी। तो उसके पहले का लोग बहुत लोग भूल गए होंगे आज के दिन में, क्योंकि 7 साल गुजर चुके हैं। पहले कैसे सरकारी खरीद होती थी जी। पहले एक संस्था थी DGSND जिसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे और कुछ ही सेलर्स थे हर आइटम के लिए 4, 5, 6, 10 जिनकी एक्सेस थी, जो पहुँच पाते थे उनको ही ये राइट मिलता था। पब्लिक एट लार्ज को ये फैसिलिटी नहीं थी जी। स्केल भी बहुत छोटा था, हर आदमी अपने हिसाब से टेंडर बनाया था। रूल तब भी था GFR जो अभी GFR अभी भी है जी। लेकिन पहले उसको इंटरप्रेट कैसे करता था, वो बायर करता था खुद से। एक ही टाइप का टेंडर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से निकलता था, वो डिपेंडिंग ऑन कि किसको टेंडर देना है उसके हिसाब से हुआ था। तो कई तरह की इसमें त्रुटियाँ थी। इसके अलावा स्केल भी बहुत छोटा था, स्केल में भी मतलब मुश्किल से 3-3.5 करोड़ का काम था खाली जो कर पाए थे, बाकी सब कुछ बाहर हुआ था। तो तब वो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल में ये इसकी स्थापना हुई कि करप्शन को पूरी तरह से हटा देना और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल कॉमर्स उसको क्रिएट करना जी। तो शुरुआत हुई और ग्रेजुअली हम लोगों ने इसको बढ़ा लिया है काफ़ी। अभी 2016 से 2023 तक का सफ़र तय किया गया है, पूरी पारदर्शिता आ गई है, जो पहले समस्याएं आती थी, थोड़ी त्रुटियां थी, अब उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। सामान खरीदना बिल्कुल बहुत आसान हो चुका है। अगर हम सरकारी दफ्तरों की बात करते हैं, ऐसी संगठनों की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से या फिर कहें उनके द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएँ ली जा सकती हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि हमारा जो पोर्टल है जेम, वो सामान और सर्विसेज सेवाएं दोनों के लिए है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अभी इसमें नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिविल नेचर के। तो सेवाओं की बात करें तो आज 2023 में जेम पोर्टल पे हर वो सेवा उपलब्ध है जो कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या दफ्तर को चाहिए होगी। वो आप मैन पावर हायरिंग की बात करें, या आप गाड़ियों की बात करें, या कॉम्प्लिकेटेड सर्विस की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजिकल सर्विस, ड्रोन एज ए सर्विस, सब कुछ आज अवेलेबल है। करीब 297 सर्विस कैटेगरीज हैं जिसमें करीब 2 लाख से ज़्यादा सर्विस ऑफरिंग्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब जो भी हमने सोचा कि आज की डेट में कम से कम 95% से ऊपर सर्विसेज सेवाएं उपलब्ध हैं। और अगर किसी को कुछ स्पेशलाइज सर्विस भी चाहिए तो उसका हमारा पोर्टल सक्षम है कि हम तुरंत से उसको स्टार्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, बहुत ही, अगर किसी की डिमांड आ रही है तो उसके माध्यम से भी शुरुआत की जा सकती है। तो देखिए 297 जैसे आप कह रहे हैं कि सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध हैं और आसानी से इनका लुत्फ भी उठाया जा सकता है और जो भी चाहिए वो आप आसानी से यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो कितने राज्यों द्वारा ई बाज़ार को सहमति प्रदान की गई है, क्या ये देश भर में संचालित किया जा रहा है? जी, देश भर में संचालित किया जा रहा है। और जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार में तो GFR का अमेंडमेंट करके बताया गया है कि भाई केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं उन्हें जेम से ही खरीदना है अगर कोई सामान जेम पर उपलब्ध है तो। राज्य सरकार पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बट हमने क्या किया है, 2017 से हर राज्य सरकार से अपना एक MOU कर लिया है एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम का भी हमारा अगले महीने तक हो जाएगा, जिसमें हम ये कहते हैं कि राज्य सरकार भी हमें पूरी कोऑपरेशन देगी ताकि उनके सिस्टम्स इम्प्रूव हो। हर राज्य सरकार का अपना ई प्रोक्योरमेंट का प्रावधान है, लेकिन उनको हम ये कहते हैं कि अगर आप एक नेशनल पोर्टल पर रहेंगे जी। तो आपको पूरा देश आपके लिए बाजार है, पूरा देश से आप सोच कर सकते हैं, जो कंपटीशन बढ़ेगा, जो दरें आपको मिलेंगी
वो सब में फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी तक केंद्र सरकार के जितने दफ्तर हैं उन्हें तो यहीं से सामान खरीदना है, लेकिन राज्य सरकार भी इससे जुड़ रही है और इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। पारदर्शिता है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में किसी भी सेवा की या सामान खरीदने की ज़रूरत है तो प्रक्रिया क्या रहती है जेम पोर्टल से लेने की? प्रक्रिया बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। इसमें कोई, जैसे अगर आप कोई हमारा अगर इकोसिस्टम देखें आप, एक तरफ सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, बाहर सारे गवर्नमेंट हैं, वो केंद्र के हों, राज्य सरकार के हों, सेंट्रल CPSE हो या कोई ऑटोनोमस बॉडी हो, बट बेचने का काम कोई भी कर सकता है। वो OEM हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो, या कोई रीसेलर हो, सबके लिए पोर्टल खुला है। आप चाहें, आप पेन बेचना चाहते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है जी। बट चूंकि हम गवर्नमेंट को बेच रहे हैं तो हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितना भी हम डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं आपसे उससे एटलीस्ट जेन्युइन सेलर ही, जो सच्चा सेलर है, वही आए हमारे पोर्टल पे। हम नहीं चाहते किसी तरह की धोखाधड़ी हो। हमारा पोर्टल संपूर्ण तरीके से ट्रस्ट बेस्ड पोर्टल है। हम लोगों पर विश्वास करते हैं कि आप जो बता रहे हैं हमें वो सही बता रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने रूल हम उससे सबसे वैलिडेशन कराते हैं। हमारे पोर्टल में आप देखें तो ये डिजिटल पोर्टल है, इसका इंटीग्रेशन गवर्नमेंट के जितने डेटाबेसेस हैं सबसे है। जैसे अगर आधार है तो आधार से हमारा, आप जैसे एंटर करेंगे हमारा तुरंत वेरिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं तो हमारा पोर्टल तुरंत ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आ जाएगा। तो मैनुअल इंटरवेंशन पूरी तरह से जितना बंद किया जाए, ताकि करप्शन ना हो, ताकि कोई सब्जेक्टिविटी ना हो, उसका हमारा जो मेन है टारगेट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी अगर जैसे सेलर हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जैसे आजकल स्टार्टअप्स की लहर हमारे देश में दौड़ रही है, तो ऐसे में जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा यहाँ पर? अब देखिए, इसमें बहुत ही रेलिवेंट सवाल है आपका, इसके आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। बिल्कुल जरूर। इसमें हम लोगों ने एक तो ये किया था कि उद्यम जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है पोर्टल, उससे हमने ऑनलाइन इंटीग्रेशन किया हुआ है। होता यह है कि अगर कोई भी छोटा व्यवसायी उद्यम का नंबर लेने जाता है तो उससे पूछा जाता है ऑनलाइन कि क्या आप जेम पे भी आना चाहेंगे। अगर वो यस कहता है तो उसका सारा डाटा ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद हम उसको अप्रोच करते हैं, ईमेल भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि आपको ये प्रक्रिया करनी है, ये कर लिए तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। पर हमने देखा कि करीब 50 लाख सेलर हमारे पास आ गए, पर वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि इसको इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, हमें इनको के पास जाना पड़ेगा जी। हर छोटे सेलर के पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा क्या फायदे हैं, उसका लिटरली हाथ पकड़ के उसको ऑनबोर्ड कराना पड़ेगा जी। तो हम लोगों ने CSE और इंडिया पोस्ट के साथ एक MOU किया, कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट के साथ। कॉमन सर्विस सेंटर देश में करीब 5.5 लाख है, इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस करीब 1.5 लाख है। उनके सब लोगों को ट्रेनिंग कर दी गई है। आज की तारीख में कोई भी छोटा सेलर अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे होगा उसके घर के, वहां चला जाए और बोले कि मैं जेम में एज ए सेलर रजिस्टर होना चाहता हूं, तो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया फ्री है, वो आपका कराएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर हाँ, अगर अपना प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं, उसकी फोटो डालना चाहते हैं, तो उसके कुछ चार्जेस हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं कि वो अनाप शनाप रेट नहीं लेगा कोई भी, एक सिंपल चार्ज जो अग्रीड है वही लेगा और उसकी सारी ऑनबोर्डिंग करा देगा। एक बार वो ऑनबोर्डिंग हो जाती है, उसके बाद ये सिस्टम की ब्यूटी है कि कोई भी टेंडर जब आएगा उस आइटम का, जिस कैटेगरी में उसने सामान डाला है अपना, उसके पास ऑटोमेटिक अपने आप ईमेल और SMS नोटिफिकेशन आएगी, साहब ये टेंडर आया है, आपको डालना है इसमें नहीं डालना है, और जो रेट डालना है डाल दीजिए इसमें, अपना ऑटोमेटिक सिस्टम करके बता देगा आप जीते या नहीं जीते। तो एक तो CSE वाली प्रक्रिया है, दूसरा आपका इंडिया पोस्ट में भी है, वहाँ भी जा सकते हैं आप, और खुद भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत मतलब मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई हल्का सा भी किसी को IT का है तो आप जाकर के अपना यूज़र नेम है, OTP आएंगे 3-4 बार, आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट आप डाल दीजिए, अपलोड की फैसिलिटी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो अपने आप हो सकता है। बट अगर सहायता चाहिए तो अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर में चले जाएं या फिर इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस में चले जाएं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जेम पोर्टल से, कोई सेलर हैं, कोई स्टार्टअप की आपने शुरुआत की है और जेम पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी जो ई बाज़ार है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया है कि कॉमन सर्विस सेंटर है या फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस का कोई दफ्तर है, या फिर अगर आप खुद भी करना चाहें तो भी बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, आप इससे जुड़ सकते हैं और
और इस मार्केट का हिस्सा बनकर बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे अपने जो सामान है उसकी बिकवाली कर सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा भागदौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जी बिल्कुल ज़रूर, आपने स्टार्टअप का जिक्र किया था, तो स्टार्टअप में कई बार लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट में सामान बेचना है तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जी, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिससे इम्प्रूव कर पाए, हमने कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाया है उसका कोई आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो हम क्या बेच सकते हैं गवर्नमेंट को? तो उसका आंसर है जी आप बेच सकते हैं जी। हमारे पास एक फैसिलिटी है स्टार्टअप रनवे की जी, जिसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या उसके लगता है कि भाई कोई गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं, तो वहाँ पे रजिस्टर करे वो, और उसके बाद हम उसको भी मौका देते हैं कि वो गवर्नमेंट को बेच पाए बिना किसी एक्सपीरियंस के जी। उसका यूनिक प्रोडक्ट है, उसने कुछ अपना अच्छे से कुछ दिमाग लगा के इनोवेशन किया है तो उसका भी, उसको फायदा होना चाहिए, उसके लिए भी एक सुविधा है। स्टार्टअप्स को भी हम रजिस्टर करते हैं, हमारे पास करीब 15,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा कारोबार किया हुआ है, और स्टार्टअप रनवे में भी काफ़ी लोग आगे हैं जो कि यूनिक नीच प्रोडक्ट्स बना करके जिन पे कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कोई स्टार्टअप की शुरुआत होती है तो अक्सर लोगों को लगता है बाजार कहाँ से लाएंगे, कहाँ बिकवाली करेंगे, तो सरकार का सरकारी ई बाज़ार यानी कि जेम पोर्टल एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। आप इसके माध्यम से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो उत्पाद हैं उसकी बिकवाली कर सकते हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें अगर हमारे देश के युवाओं की, महिलाओं की, तो महिला सशक्तिकरण के लिए तो हमारी सरकार बिल्कुल अग्रसर है ही, तो इस पोर्टल के माध्यम से क्या किसी तरह के रोजगार की उत्पत्ति भी हो रही है? डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जरूर हो रही है जी। महिलाओं की बात करें तो जैसे सरकार ने कहा है कि भाई 3% प्रोक्योरमेंट महिलाओं के थ्रू होना चाहिए जो कि महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे पोर्टल पे बड़ा क्लियरली फिल्टर्स लगे हुए हैं और ये 3% से बहुत ज़्यादा महिलाएँ इसमें काम कर रही हैं, जो हमारे पास करीब आंकड़े में आपको दे सकता हूँ 15,000 से 20,000 के आसपास से ज़्यादा ऐसी संस्थाएँ हैं जो कि महिलाएँ इनको लीड कर रही हैं और उनको काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं और 10-15 हज़ार करोड़ से ऊपर का व्यवसाय कर चुकी हैं, तो महिला स्त्री के बड़े अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल है। हमने फिल्टर दिया, अगर कोई बायर को लगता है कि अगर मैंने मान लीजिए मेरा वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है 3% का, तो मुझे 3% तो मैं बाद ही हूँ, मुझे करना है जी, तो मैं फिल्टर लगा यूज़ करूँगा जेम पे कि भाई ये अगला मेरा जो ऑर्डर आ रहा है वो सिर्फ महिलाओं के लेड उपक्रमों को ही जाएगा, तो उससे उनका परसेंटेज भी वहाँ पे आ सकता है। सेम चीज़ हम करते हैं एससी एसटी के लिए भी, सेम चीज़ हम करते हैं दिव्यांगजन के लिए भी, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है कि आपको इतने प्रतिशत प्रोक्योरमेंट अपने इन पर्टिकुलर ग्रुप से करने, वहाँ पे सब अरेंजमेंट किए हुए हैं। एमएससी की जहाँ तक बात है, एमएससी में सरकार कहती है 25% एमएससी से होना चाहिए प्रोक्योरमेंट, हमारे पोर्टल पर आप देखिए पिछले 7 साल में तो 50 से 56% के बीच में एमएससी ने प्रोक्योरमेंट करवाया है जी। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर महिलाओं को, हमारे दिव्यांगजनों को, हमारे जो युवा हैं उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, उन्हें फ़ायदा मिल सके इसके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रावधान ज़रूर रखे गए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, सरकारी ई बाज़ार है तो जैसे आपने जिक्र किया कि सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी संगठन हैं, वो तो इससे खरीदारी कर ही सकते हैं, क्या आमजन भी इससे कुछ खरीदारी कर सकते हैं, क्या ऐसा भी अभी कोई प्रावधान है? नहीं, अभी ऐसा प्रावधान कोई नहीं है। ये हमें जो अभी मंजूरी दी गई है वो सिर्फ सरकार को खरीद के लिए है। हाँ, किसी एक स्टेज पे जाकर के कोई आइटम को हम खोल भी सकते हैं जी। हम सशक्त हैं उसके लिए, वो गवर्नमेंट जब भी सरकार का आदेश होगा कि भाई अब ये पर्टिकुलर आइटम्स हैं इनको आप सबके लिए खोलिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए खोल दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बदलते समय के साथ साथ हो सकता है कि इसमें भी बदलाव लाया जाए, जो भी केवल संगठन खरीद रहे हैं लेकिन आगे चल करके आमजन के लिए भी इसे जरूर खोला जाए। अब आपसे जानना चाहेंगे, जब ये जेम पोर्टल की शुरुआत हुई, जैसे आपने जिक्र किया कि पारदर्शिता आई है, जितनी मुसीबतें आती थी पहले एक चीज़ को खरीदने में उन सबसे हमें यहाँ पर दूरी हुई है, उस सबसे निदान मिला है, बचत के मामले में क्या कहेंगे, बचत के लिहाज से कितना फायदेमंद साबित हुआ है ये पोर्टल? बचत को मैं कई तरह से आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो जो डायरेक्ट बचत होती है, डायरेक्ट सेविंग हो रही है जी, वो वर्ल्ड बैंक ने भी एक इंडिपेंडेंट स्टडी की थी, हमारे ट्रांजैक्शन स्टडी किए थे दो साल के, उन्होंने कहा था करीब 9.75 करीबन 10% की डायरेक्ट सेविंग हो रही है आपको जी। इसके अलावा हम लोगों ने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के थ्रू ट्राई किया था कि पता करें भाई, देखिए हमारे ट्रांजेक्शन डेटा पता करके देखिए कि भाई कितना सेविंग्स आ रही है, तो 9 से 10% वहाँ भी दिखाया गया जी।
ये तो हुआ डायरेक्ट आपके जो पैसे में बचत हो रही है, इसके अलावा आप देखिए कितनी सहूलियत हो गई है बायर को भी सेलर को भी जी। पेमेंट सेलर का टाइम पे हो रहा है, आपको दफ्तरों में जाना नहीं पड़ रहा है कि इससे मिलना है उससे मिलना है, 10 राउंड लगाने हैं, उसकी बचत भी एक इनडायरेक्ट हो रही है। बायर के लिए भी ना पेपर में अब उसको एड निकालना है, जो दिखाते टेंडर निकालना है, वो सब कुछ आप पब्लिश कर रहे हो पोर्टल पर ही। आप बायर को रेडीमेड मार्केट मिल रहा है, कोई उसको मार्केट प्रमोशन नहीं करना पड़ रहा है, तो ये सब सेविंग का ही कारण है। इसके अलावा हमने देखा है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज हुई हैं जहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा आता है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है और हमने भी पाया है कि बिड में जितने ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है उतनी ज़्यादा सेविंग आती है। अगर 7 लोग करें पार्टिसिपेट तो 10% आएगा, 8वां जैसे आता है तो 0.5 और बढ़ जाएगा, 9वां जैसे आएगा तो 0.5 और बढ़ जाएगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो इनडायरेक्ट सेविंग्स भी बहुत है, डायरेक्ट सेविंग तो आपको बता दिया हमें 10% जी, है। अगर आप पूरा देखें हमने 4.5 लाख करोड़ का काम किया है अभी तक, 10% भी मान के चलो तो हमारे 45,000 करोड़ का सेविंग अब तक हो चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी बचत यहाँ पर हुई है, जिससे फायदे का सौदा ही हमारा जेम पोर्टल साबित हो रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि खरीदार को अगर खरीदना है तो उससे फ़ायदा ही मिलता है, हमारे सरकार का भी बचत होती है। अगर खरीदार जाता है जेम पोर्टल पर, उसने फिल्टर लगा करके कुछ भी सामान या सेवा लेने के लिए वहाँ सिलेक्शन किया है, तो पेमेंट का माध्यम क्या रहता है जिससे और भी ज्यादा यहाँ पर पारदर्शिता रहे? नहीं, हमारा तो ये हमेशा से यही ध्येय रहा है कि पेमेंट जल्द से जल्द हो। हमारे सिस्टम में जो है, शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के बनाया गया था केंद्र सरकार के लिए, कि एक बार आपने सामान आपने रिसीव कर लिया, आपने पोर्टल पे कर दिया कि भाई ये सामान जो है जैसे मैंने मांगा था वैसे ही है, उतनी क्वांटिटी में उसी क्वालिटी का है, तो एक हम बोलते उसको क्रैक, एक बार वो क्रैक सर्टिफिकेट हो गया उसके 10 दिन के अंदर उसको पेमेंट रिलीज करना है। तो 10 दिन लगता है सामान लेने के बाद क्रैक जनरेट करने में, और क्रैक के बाद पेमेंट 10 दिन में करना है, तो 20 दिन में आपको पेमेंट ऑनलाइन पहुंच जाएगा। तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की खरीद होती है केंद्र सरकार की, वहां पे हमारा PFMS के साथ इंटीग्रेशन है जी। पैसा ब्लॉक कर लिया जाता है, जैसे सामान मिलता है 10 दिन में पेमेंट चला जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। बट राज्य सरकारों में ये कई बार मुश्किल आती है कि पेमेंट थोड़ा डिले हो जाता है, राज्य सरकारों का थोड़ा बजट का मैनेजमेंट सिस्टम भी अलग है केंद्र सरकार से। सिमिलरली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होते हैं उनके बड़े ऑर्डर होते हैं, मतलब अगर आप राशि के तौर पे देखें तो उसमें क्या होता है, उनको अपना कैपिटल ब्लॉक नहीं करना है बहुत देर तक, तो उनके अपने पेमेंट सिस्टम्स हैं, वो कई बार 30 दिन में करते हैं, बट पेमेंट अशोर्ड है, करीब 97 से 98% पेमेंट है वो टाइम से होती है। थोड़े बहुत किचेज आते हैं लोग, कई बार बायर का ट्रांसफर हो जाता है, बायर को लेने के बाद में लगता है ये गलती हो गई, तो उस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, पर उसका हमारा बड़ा अच्छा लीड आउट सिस्टम है जिससे कि पेमेंट मिल जाती है टाइम से। बिल्कुल, तो पेमेंट तो यहाँ पर रिलीज हो जाती है, समय रहते हमें मिल भी जाती है, लेकिन अगर जो हमने उत्पाद लिया है अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उस केस में क्या किया जाएगा? क्वालिटी की बात जैसे जी बिल्कुल, कि सही क्वालिटी पे आप ले रहे हैं या नहीं, तो हमारा सिस्टम जो है वो बाकी सिस्टम से थोड़ा अलग है जी। हमारा कैटेगरी बेस्ड प्रोक्योरमेंट है, हमारे पास सामान के करीब 12,000 कैटेगरी से, जैसे लैपटॉप एक कैटेगरी हो गई, फर्नीचर का एक टेबल एक कैटेगरी हो गई, वीडियो कैमरा एक कैटेगरी हो गई, उसमें डिटेल स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं कि भाई आपको ये चीज़ से कंप्यूटर में है, कितना रैम है, कितना क्लॉक स्पीड है, कितना उसका साइज है, वो सब लिखा होता है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आप उसमें प्रोडक्ट अपना चढ़ा पाएंगे। तो एक तरह से तो आपका आपने स्पेसिफिकेशंस मीट कर लिए तभी आपने क्वालिटी अपनी एक बेसिक कर दी, अब प्राइस पे बात आती है। फिर हमारे सिस्टम में एक और खूबी है कि पेमेंट जो होता है बाद में होता है। हमारे में क्या है कि आपने स्पेसिफिकेशन बता दिए, उस पर टेंडर करा दिया, सामान आपके पास आ गया, आपने खोल के देख लिया, आपने देख लिया स्पेसिफिकेशन सारे सही हैं, तब आप जाकर के उसके ऊपर में सहमति देते हो कि जब हाँ तक गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती तब तक हम यहाँ पर पेमेंट नहीं करते, और नहीं तो आप सामान वापस कर दो। वो सेलर की जिम्मेदारी है, वो उसका खामियाजा भरेगा। यहाँ तक कि हमारी रेटिंग होती है सेलर की, हमारा पनिशमेंट भी होता है अगर किसी ने खराब सामान भेजे, बोला कि मैं एक्स दूंगा और वाई दे दिया जी। या कुछ खराब क्वालिटी आ गई, या कुछ लगा कि शक हुआ कि भाई इसमें गड़बड़ है, तो हम सेलर को हटा देते हैं पोर्टल से अपने, जिसके लिए उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो एक तरीका है उनको ये सुनिश्चित करने का कि भाई आप सामान अपना सही भेजेंगे और पेमेंट उसका देखने के बाद, तो क्वालिटी हमारी अपने आप अश्योर हो जाती है, मेंटेन रहती है क्वालिटी। जो रिटर्न रेट है, पहले जो 3% हुआ था शुरुआती में, अब कुछ 0.2 या 0.3% ही रह गया है जी। तो बाय एंड लार्ज प्रोडक्ट हमारे सारे सही मात्रा में और सही क्वालिटी के आते हैं, तो उसका
सुनिश्चित किया हुआ है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही जेम पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, और अगर किसी कारणवश नहीं भी हो पाते हैं तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि पैसे आपको इमीडिएटली नहीं देना है, थोड़े समय की बात देने होते हैं जब आप क्वालिटी चेक कर लेते हैं। अंतिम सवाल यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई और जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से या फिर कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट का इकोसिस्टम था जी, लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉपरेटिव्स को भी ऑनबोर्ड किया है इसमें, कॉपरेटिव संस्थाएं जितनी हैं, ताकि उनकी भी जितनी प्रोक्योरमेंट है वो पारदर्शी हो जाए। अभी हम इसको पंचायत तक भी ले जा रहे हैं, 15 अगस्त तक होपफुली सारी पंचायतें जेएमपी एज अ बायर खरीदार के रूप में ऑनबोर्ड हो जाएंगी। आप देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट है कि अगर कोई कहे कि भारत में जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है विलेज ग्राम पंचायत, उसके पास फंड्स भी इलेक्ट्रॉनिकली आ रहे हैं और उसने स्पेंड भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो जिस पारदर्शिता की हम सपना देखते थे वो साकार होने वाली है। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल बनेगा हमारा इंडिया, हम कह सकते हैं कि एक कदम है हमारा। छोटे छोटे कोई अगर झाड़ू भी बेच रहा है किसी गांव में, एग्रीगेट करके किसी को सप्लाई कर सकता है, वो भी फैसिलिटी आपके पास है। बड़ा वाला तो कारोबार कर ही रहा है, बट किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप भाई कहाँ से हो, क्या आपका टर्नओवर है, कैसा है। आप अगर ईमान से काम कर रहे हो तो आपके लिए पोर्टल सबसे बढ़िया है। एक पोर्टल बहुत ही अच्छा माध्यम कह सकते हैं, हमारी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर सेलर्स के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे जो छोटे स्केल के जो बिजनेस होते हैं जिनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि बाज़ार व्यवस्था नहीं है, एक बहुत ही अच्छा बाज़ार यहाँ पर निर्माण करके हमारी सरकार ने दिया है। आप इससे जुड़ सकते हैं, आसान सी प्रक्रिया है जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से जानकारी साझा की है। तो अब आप भी अगर बिकवाली करना चाहते हैं अपने उत्पाद की और फ़ायदा उठाना चाहते हैं अच्छे मुनाफे का, तो निश्चित तौर पर जेम पोर्टल का रुख ज़रूर कीजिए। बदलते समय के साथ साथ इसमें और भी बदलाव आते रहेंगे जो आपके लिए ही फायदेमंद साबित होंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जेम पोर्टल के बारे में इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों से साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जेम पोर्टल आखिर है क्या, आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने विस्तार से जान लिया है। अभी तक आपने जो निजी मार्केट प्लेसेस हैं उसके बारे में ही जाना था, लेकिन उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार की जो अनूठी पहल है उसके बारे में भी आप विस्तार से जान गए होंगे। हमारे सेलर्स के लिए तो एक ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसी उम्मीद के साथ कि इस पोर्टल से अब ज़रूर जुड़ेंगे आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में। बस इतना ही, लेकिन बता दें आपको, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ बता दें आपको, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के बारे में, देंगे आपको जानकारी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।